नमस्ते बच्चों, आज हम इस वीडियो में उधार के साथ घटाव करना सीखेंगे। आज कैफी अखबार में आने वाले घटाव की पहेलियों को हल कर रही है। आइए इन पहेलियों को हल करने में कैफी की मदद करें। एक पेड़ पर कुल 91 अमरूद हैं, उनमें 18 सड़े अमरूद हैं। पेड़ पर कितने ताजा अमरूद हैं? मुझे नहीं पता कि इसे कैसे हल किया जाए। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? आइए देखिए इस पहेली में क्या लिखा है। कुल 91 अमरूद है और 18 अमरूद खराब हो गए हैं। 91 घटाव 18 कितने हुए? चलिए घटाव का इस्तेमाल कर इसका उत्तर ढूंढते हैं। पहले हम इकाई में लिखी संख्याएं 1 और 8 को घटाएंगे। 1 8 से छोटी संख्या है, इसलिए हम दहाई वाली संख्या का एक उधार लेंगे। अभी 1 बढ़ के 11 हुए। अब हम 11 घटाव 8 करेंगे। 11 में 8 घटाव हुए 3। 3 को हम यहाँ इकाई वाले भाग के नीचे इस तरह लिखेंगे। अब हम दहाई वाली संख्याएं 8 और 1 को घटाएंगे। 8 में 1 घटाव हो गए 7। इसे हम यहाँ दहाई वाले भाग के नीचे इस तरह लिख लेते हैं। 91 घटाव 18 हुए 73। मुझे उत्तर में 73 मिला है। क्या आपको भी 73 मिले? अरे वाह, चलिए अखबार में दिए गए अगले प्रश्न को देखें। बॉम्बे में 95 चींटियां थी। कुछ समय बाद 77 चींटियां चली गई। बॉम्बे में अब कितनी चींटियां बची हैं? 95 घटाव 77 कितने हुए? एक बार फिर हमें घटाव का इस्तेमाल कर इसका उत्तर ढूंढना है। पहले हम इकाई में लिखी संख्याएं 5 और 7 को घटाएंगे। 7 5 से बड़ी संख्या है, हमें उधार का इस्तेमाल करना होगा। अभी दहाई वाली संख्या से 1 उधार लेंगे। 15 में 7 घटाव हुए 8। इसे हम यहाँ इकाई वाले भाग के नीचे इस तरह लिखेंगे। अब हम दहाई वाली संख्याएं 8 और 7 को घटाएंगे। 8 घटाव 7 हुए 1। इसे हम यहाँ दहाई वाले भाग के नीचे इस तरह लिख लेते हैं। 95 घटाव 77 हुए 18। मुझे उत्तर में 18 मिला है। क्या आपको भी 18 मिला? ये बहुत मजेदार है, मुझे अब स्कूल जाना है। क्या आप मेरे लिए अखबार का आखिरी सवाल हल कर सकते हैं? ओह बढ़िया, आखिरी सवाल ये है कि एक खेत में 96 जानवर हैं। खेत से 68 जानवर चले गए, खेत में अब कितने जानवर बचे हैं? 96 घटाओ 68 कितने हुए? आप इसका उत्तर ढूंढकर अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें। इस वीडियो में हमने उधार के साथ घटाव करना सीखा।